मैं फेल हो गया, मैं फिर से फेल हो गया। मैं जो भी ट्राई करता हूँ, कुछ भी करने का प्रयास करता हूँ, जैसा चाहता हूँ मेहनत भी करता हूँ, पर जैसी उम्मीद होती है वैसा नहीं आता। क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? आई एम यूजलेस। अक्सर इस तरीके से थॉट आते हैं ना, जब हम कुछ करना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता, फेल हो जाते हैं, तो इस तरह के थॉट आते हैं ना। पर क्या लाइफ को सक्सेस और फेलियर से जज करना ठीक चीज है? हाँ, भगवद गीता इस चीज पे बहुत अच्छे से बताती है। भगवद गीता बताती है कि हम लोगों ने सक्सेस और फेलियर की बहुत ही नैरो डेफिनेशन बना दी है, बहुत छोटी डेफिनेशन बना दी है। अगर मैंने कुछ करता हूँ, मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, चीज़ें मेरे हिसाब से जाती हैं तो सक्सेस, अगर मैंने कुछ प्लान बनाया, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती तो फेलियर। कई बार हम प्लान बनाते भी हैं, चीज़ें ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, पर जैसा रिजल्ट की उम्मीद थी वैसा नहीं आ पाता, तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, और फिर क्या करते हैं, खुद को कोसते हैं, और फिर एट द एंड गिव अप, नहीं हो पाएगा, छोड़ो। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि जिंदगी सिर्फ इतनी है? सक्सेस मिली तो खुश रहेंगे, फेलियर मिला तो बात खत्म, खेल खत्म। ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो कि मटेरियली बहुत स्ट्रांग थे, करोड़पति लोग, जिन लोगों ने सुसाइड कर दी, क्यों? लाइफ से खुश नहीं थे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद मटेरियली इतना स्ट्रांग नहीं हो, जो शायद हमारी परिभाषा है सक्सेसफुल होने की, वो उनके पास नहीं हो, बट फिर भी वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है। ऐसा क्यों? हमेशा याद रखना, सक्सेस और फेलियर ये दो जिंदगी के किताब के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हमको दोनों ही आने चाहिए, दोनों ही हमें पता होने चाहिए। अगर हमें दोनों ही नहीं पता, दोनों ही हमने एक्सपीरियंस नहीं किए हुए, तो हम कभी जिंदगी को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। हमें सक्सेस और फेलियर के आने के बाद रुक नहीं जाना चाहिए कि सक्सेस मिल गई, बात खत्म, अब टेंशन नहीं है जी, अब तो सक्सेसफुल हो गए, या फेलियर आ गया लाइफ में, कुछ चीज़ किया, फेल हो गए, बात खत्म। हमें दोनों से सीखना चाहिए, सीख के आगे बढ़ना चाहिए, बट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों केस में अगर आप कुछ भी करते हैं, सक्सेस मिली या फेल मिली, और आप वहीं रुक गए कि भाई अब सक्सेसफुल हो गए, आप क्या आगे बढ़ना, या फेलियर हो गए, आप क्या आगे बढ़ना, तो जो पॉसिबिलिटी थी कुछ बेहतर करने की, वो भी रुक जाती है। कुछ और जो सक्सेसफुल थे वो कुछ और अच्छा कर सकते थे, वो रुक गया। जो फेलियर थे वो कुछ और अच्छा कर सकते थे, वो भी रुक गए। हमने पॉसिबिलिटीज तो खत्म ही कर दी ना गिव अप करके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का था, वो देश की सेवा करना चाहता था एज ए आईएएस ऑफिसर। उसने सोचा मैं देश की सेवा करूंगा आईएएस ऑफिसर बन के। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई किया, नहीं कर पाया, एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, उसने सुसाइड कर ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या देश की सेवा सिर्फ आईएएस ऑफिसर बन के ही की जा सकती थी? आई थिंक नहीं, और भी तरीके थे। पर हम अक्सर प्लान बनाते हैं और हम सोचते हैं कि जिंदगी में मकसद मेरा ये है, और इस माध्यम से मैं अपने मकसद तक पहुंचूंगा, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, और हम इसी में उलझ के, मकसद मंजिल को भूल के, इसी में फंसे रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, हम प्लान्स अगर कुछ बना रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि मेरा गोल क्या है, और फिर दूसरा चीज़ ये होना चाहिए, मैं अपने गोल तक कैसे पहुँचूँ। हम अपने गोल तक गोल बनाते हैं, और जो हमने रास्ता चुना होता है, कई बार वो रास्ता हम कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस रास्ते पे ज़्यादा देर नहीं चल पाते, किसी वजह से हम खो जाते हैं, तो ठीक है, हमें रास्ते में अपनी मंजिल क्लियर ना दिखे तो गिव अप करने से क्या फ़ायदा, हम रास्ता चेंज कर सकते हैं। जरूरी है, देश की सेवा सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही कर सकता है, और लोग नहीं कर सकते। वो लड़का एनजीओ स्टार्ट कर सकता था, फ्री कोचिंग करके लोगों की हेल्प कर सकता था ग्राउंड लेवल पे। इस तरीके से भी तो देश की सेवा की जा सकती है। इसी तरीके से हमेशा याद रखना चाहिए मेरा मकसद क्या है जिंदगी में। हम कई बार आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए कुछ पर्पस होगा जिंदगी का, लाइफ को और दूसरे तरीके से बेहतर करने का, पर हम नहीं बन पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। तो कहें ना कि हम लोगों ने खुद ही बहुत छोटी डेफिनेशन बना ली है सक्सेस की, कि जो मैं कर रहा हूँ
अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाया, जिंदगी बिता दी, अब खत्म। तो हमें हमेशा लाइफ को थोड़ा ब्रॉड होके देखना पड़ेगा, विजन अपना डेवलप करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा ब्रॉड होके देखना पड़ेगा। इसमें हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, भगवत गीता के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम देखेंगे जिंदगी के पहलुओं को हमने और बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भगवत गीता में कृष्णा भगवान चैप्टर 9 वर्स नंबर 15 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर कोई व्यक्ति समझ लेगा ना इसको, मुझे नहीं लगता कि वो कभी फेलियर से डरेगा। तो उसके लाइफ में अगर फेलियर भी आता है तो शायद ही वो कभी डिप्रेस होगा। भगवान कृष्णा बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। ये बात जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ करना चाह रहे हैं, हमने मेहनत की, चीज़ें हमारे हिसाब से हमने करी, पर रिजल्ट जो हम चाहते थे वैसा नहीं आया। तो हम समझेंगे कि हम सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते थे, चीज़ें हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं आएगी, तो बात फेलियर की रही नहीं ना, बात फेलियर की रही नहीं। तो ये चीज़ समझना, ये मुझे लगता है ये चीज़ कोई समझेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी फेलियर आने पे गिव अप कर देगा, इवन दो वो ग्रो अप करेगा। कैसे? क्योंकि उसे पता होगा कि चीज़ें हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं चलती, भगवान के हिसाब से चलती है। तो ऑफ कोर्स भगवान के पास मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान जरूर होगा। वो पेशेंस रखेगा और जो वो कर रहा है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, चीज़ें और भी ट्राई करता रहेगा। एट द सेम टाइम वो और भी चीज़ें सोचेगा कि क्या कर सकता है, क्योंकि ज़िंदगी को बेहतर करने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो जब स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो हम जिंदगी को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, देख पाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैंने आज समझाने का प्रयास ये किया कि हमेशा फेलियर को फेलियर के बाद गिव अप नहीं कर सकते, करना चाहिए। और थ्रू दिस श्लोक का मैंने यही बताया कि गिव अप करने की जरूरत ही है जब आप ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कैसे करते हैं? अपना स्पिरिचुअल विजन स्ट्रॉन्ग करके, लाइफ को अच्छे से समझ करके, और थोड़ा भेड़ चाल से हटके सोचने का। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड कर दूँ और आप देखें बात खत्म। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे बात करें, हम लोग फ्रेंड्स बने, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस करें, सो दैट हम आपकी मदद कर सकते हैं और आप हमारी भी। आई होप आज की वीडियो के बाद काफ़ी लोग मुझे मैसेज करेंगे, बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।